नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम चैनल में। दोस्तों, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट्स बिल 2019 जो है पार्लियामेंट में आ चुका है। लोकसभा ने उसको पहले ही पास कर दिया है, राज्यसभा में भी अब पास होने ही वाला है। और थोड़े से माइनर से चेंज जो है अब वो लोकसभा के लिए वापस गया हुआ है, और उसको चेंज कंप्लीट होने के बाद में लोकसभा उसको दोबारा से पास कर देगा और ये लॉ बन जाएगा हमारे इंडिया का। बहुत ही ज़रूरत है इस लॉ की, क्योंकि हर साल कम से कम 1.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्सीडेंट में मौतों से मरते हैं, और बहुत दर्दनाक मौतें होती हैं। हम रोज़ अखबारों में सुनते हैं कि फलाना एक्सीडेंट यहाँ हुआ, और ट्रक के कुचलने से या रैश ड्राइविंग से या जुविनाइल से और ड्रंकिंग ड्राइविंग जो उनके कारणों से, ठीक है, लोग अपनी सीट बेल्टों के कारण जो है नहीं लगाने से मर रहे हैं, ना हेलमेट लगा रहे हैं जिस कारण से उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर आज तक हम जो एग्जिस्टिंग जो पेनल्टीज देखते आए हैं बहुत हल्की होती हैं। लोग सोचते हैं कि भाई 100 रुपये का एक बार चालान कटा लेंगे तो दिन भर में उनको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं होती है। अपने हेयर स्टाइल को बनाए रखने के लिए वो हेलमेट्स नहीं पहनते हैं। सीट बेल्ट केवल नाम मात्र की गाड़ियों के अंदर रहती है, ठीक है। और जो जुवेनाइल्स होती हैं वो अपने माँ बाप की गाड़ियों को लेकर चलते हैं, और रैश ड्राइविंग से लोगों की जानें उसमें खतरे में आती हैं, और वो सिर्फ फाइन दे के छूट जाते हैं, ठीक है, और ओवरलोडिंग की जाती है। तो अब तक ये जितने भी ऑफेंसेस थे रोड ट्रैफिक से रिलेटेड, वो बहुत ही हल्के फुल्के में लोग ले रहे थे, लेकिन अब पार्लियामेंट जो है इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने जा रही है। और अब ये लॉ बनने के बाद में एक प्रकार से बहुत सख्ती से इसका पालन किया जाएगा, और हेफ्टी फाइन्स, बहुत तगड़े फाइन्स यहाँ लगने वाले हैं, और सजाएं यहाँ पे बढ़ा दी जाएंगी। तो एक प्रकार से खतरे की घंटी है उनके लिए जो रोड ट्रैफिक का पालन नहीं करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं। और एक खास बात और है इसमें, केवल सिविल बंदे ही नहीं, यहाँ पे जो इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स जो होंगे, मतलब जो ड्यूटी पर तैनात जो ऑफिशियल्स होंगे, अगर वो इन नियमों का पालन अगर उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर ये जो फाइन्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रैफिक वायलेशंस टू कॉस्ट मोर, बहुत जेब ढीली होने वाली है उनके लिए जो ट्रैफिक वायलेशन करते हैं। तो अब हम देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि कितने कितने फाइन लगने वाले हैं किन किन ऑफेंस के ऊपर, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इस चार्ट में हम बात करते हैं, देखो ये ऑफेंस का कॉलम हो गया, ये एग्जिस्टिंग पेनल्टी जो मतलब अभी पेनल्टी इन ऑफेंसेस में अभी है लागू है, और जो प्रपोज्ड है मतलब जो अभी लागू होने वाली है नियम बनने के बाद में, मतलब अमेंडमेंट होने के बाद में ये फाइन होगा। तो देखिए, नो सीट बेल्ट, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और उसके ऊपर अगर चालान होता था तो अब तक 100 रुपये का चालान होता था, ठीक है। तो अब जो है अगर आप सीट बेल्ट ना लगाते हुए पकड़े गए तो 1,000 रुपये तक का फाइन आपको होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा हेलमेट लोग नहीं पहनते हैं, तो अब तक मात्र 100 रुपये का चालान कटाओ, दिन भर में बिना हेलमेट के घूमो, लोग तो अब तक यही सोच रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब 1,000 रुपये का आपका चालान कटेगा, साथ में 3 महीने की आपको सजा भी हो सकती है, और तो और आपको लाइसेंस रखने तक से डिस्क्वालिफिकेशन आपका किया जा सकता है, ठीक है। मतलब डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम होल्डिंग लाइसेंस, तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपका वो कैंसिल किया जा सकता है, बिना हेलमेट चलोगे तो 1,000 रुपये का फाइन, 3 महीने की सजा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर आप बिना लाइसेंस के पकड़े जाते हैं तो अब तक 500 रुपये की सजा होती थी, या तो 3 महीने की जेल होती थी या दोनों होता था। अब देखिए अब क्या होगा, अमेंडमेंट के बाद में 5,000 रुपये की फाइन होगी, या तो 3 महीने की जेल होगी, या दोनों होंगे, ठीक है। और साथ में 10,000 रुपये फाइन और 1 साल की जेल, या दोनों, अगर आप एक के बाद एक इसी को फाइन को अगर आप रिपीटेड ऑफेंडर हो तो उसके लिए, ठीक है। मतलब अगर आपने एक बार फाइन कर लिया, मतलब आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े गए, तो आपका रिकॉर्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बन जाता है, यहाँ पे कहीं पे आपका मैनुअल रिकॉर्ड बनेगा। 5,000 तक का फाइन तो लगेगा पहले बार में, तो ये आप 3 महीने की सजा होगी, दोनों होंगे।
उसके बाद में दोबारा पकड़े जाते हो तब तो 10,000 रुपए की फाइन लगेगी या 1 साल की जेल होगी या दोनों होंगे। तो सब्सिक्वेंट ऑफेंस मतलब एक के बाद एक अगला वाला जो ऑफेंस है, तो डोंट रिपीट इट। और या तो मैं तो कह रहा हूँ स्टार्ट ही मत करो भाई, बहुत खतरे घंटी है। उसके बाद स्पीडिंग, आप रोड में जा रहे, आप देखिए यमुना एक्सप्रेस वे के बारे में हम सुनते हैं, स्पीडिंग बंदे जो होते हैं अपनी गाड़ियों के, जो एसयूवीज होती हैं एक्सयूवीज होती हैं, इनमें रेसिंग करते हैं, स्पीड गाड़ियों की बहुत ओवर लिमिट होती है, लिखा रहता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, चला रहे हो आप 200 या 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीडिंग में देखो आपको 500 रुपये तक की अब तक सजा होती थी और या तो 3 महीने की जेल होती थी या दोनों होते थे। अब अमेंडमेंट के बाद में 5,000 रुपीज का फाइन होगा और 3 महीने की जेल होगी फॉर फर्स्ट ऑफेंस। पहली गलती के लिए आपको ये होगा, या तो 5,000 रुपये दो या तो 3 महीने की जेल जाओ, ये पहला ऑफेंस। उसके बाद में अगर दोबारा पकड़े गए 10,000 रुपये का फाइन लगेगा या 1 साल की जेल होगी या दोनों होंगे, ठीक है। उसके बाद ब्लॉकिंग वे ऑफ इमरजेंसी व्हीकल, हमने ये देखा है कि हमारे रोड्स में ट्रैफिक्स में आपकी एम्बुलेंस पीछे से आ रही है, लोग क्या करते हैं उसको साइड देने के बजाय और उसको ब्लॉक करते हैं या अपना मौज मस्ती से चलते हैं। तो एम्बुलेंस बहुत ही जरूरी सेवा होती है, उसी प्रकार से फायर ब्रिगेड की टीम होगी। तो ब्लॉकिंग वे ऑफ इमरजेंसी व्हीकल, जितने भी इमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं उनको आज तक जो ब्लॉक करते थे या रोड में उनको पास नहीं देते, तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन अब प्रावधान बना दिया गया है 10,000 रुपये तक की फाइन या तो 6 महीने की जेल या दोनों होगा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ओवरलोडिंग, हमने देखा ट्रकों में ओवरलोडिंग सामान जाता है, ठीक है, उसमें अब तक 2,000 रुपये का फाइन होता था और जितना टन ओवर लिमिट है उस पे प्रति टन 1,000 रुपये आपको देना पड़ता था, लेकिन अब 20,000 रुपये फाइन होगा, ठीक है, और अब प्रति टन जो ओवर लिमिट है उसमें 2,000 रुपये पर टन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ड्रंकिंग ड्राइविंग, दारू पी के गाड़ी चलाना बहुत बड़ा ऑफेंस है, अपने आपको तो आप खतरे में डाल रहे हो, साथ में जो ट्रैफिक में लोग जो चलते हैं दूसरी गाड़ियां उनको नुकसान पहुंचाते हो। अब तक उसमें क्या होता था, 2,000 रुपये का फाइन होता था, या तो 6 महीने की सजा होती थी या दोनों हो सकता था, ठीक है, फर्स्ट ऑफेंस के लिए। उसके बाद में 3,000 रुपये या 2 साल की सजा, ठीक है, और दोनों हो सकते थे। तो ये एक के बाद एक जो होता था। अब क्या होगा प्रावधान, अगर आप दारू पीते हुए पकड़े गए गाड़ी चलाते हुए, 10,000 रुपये फाइन आपके ऊपर लगेगा या 6 महीने की जेल होगी या दोनों होगा पहले ऑफेंस में, पहली गलती पकड़े जाने पे। उसके बाद में अगर आप दोबारा पकड़े गए तो 15,000 रुपये फाइन या 2 साल की सजा या दोनों होगा। तो ये आगे चलता रहेगा, ठीक है। अब जो जुवेनाइल्स होते हैं, 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो जुवेनाइल के अंदर आ गए, अगर वो रोड ट्रैफिक वायलेंस पकड़े जाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है उनके गार्जियंस को, ओनर्स को। तो मैं आपको बता देता हूं कि सरकार इसके ऊपर सख्त हो गई है, क्योंकि माँ बाप जो है अपनी गाड़ियों की चाबी अपने बच्चों को दे देते हैं, जा भाई ड्राइविंग करो या सीखो, और बच्चे या तो चोरी चोरी उनकी गाड़ियों की चाबी लेके चले जाते हैं। तो इस वक्त सारी जिम्मेदारी अब गार्जियंस को लेनी पड़ेगी या गाड़ी के ओनर को लेनी पड़ेगी। अब तक क्या होता था, कोई प्रोविजन नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था जो जुवेनाइल जो एक्सीडेंट्स करते थे, ठीक है, अब गार्जियंस या ओनर गिल्टी होंगे इसमें। दोबारा उसमें लगेगा 25,000 रुपये फाइन और 3 साल की जेल। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन फॉर 1 ईयर, आपकी गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 1 साल के लिए रद्द हो जाएगा। उसके बाद जो जुवेनाइल है जिसने एक्सीडेंट किया है या ऑफेंस कोई भी ऑफेंस किया है, उसको 25 साल तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। तो गार्जियंस ओनर्स सावधान हो जाइए, जुवेनाइल्स को समझाइए या अपनी गाड़ी को या उसकी चाबी को कहीं छुपा के रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं, गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करते हैं, उल्टी दिशा में गाड़ी के ट्रैफिक के उल्टी दिशा में अगर आप आ रहे हो, इंडिया में देखा गया है कि जो ट्रैफिक जिस फ्लो में बहता है उसके ऑपोजिट में बहुत सारे टिप्पर आ जाते हैं, या कार वाले आते हैं, ट्रक वाले आते हैं, बस वाले आते हैं, तो उनके लिए ये खतरे की घंटी है, ठीक है। तो अब तक क्या होता था, जब 1,000 रुपये फाइन लगता था या 6 महीने की जेल होती थी या दोनों हो सकता था। उसके बाद दोबारा पकड़े गए तो 2,000 रुपये का फाइन और 2 साल की जेल या दोनों हो सकता था, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आप पहली बार पकड़े गए तो 5,000 रुपये फाइन या 6 से 12 महीने की सजा होगी या दोनों होगा। उसके बाद दोबारा पकड़े गए तो 10,000 रुपये फाइन या 2 साल की सजा, ठीक है, या दोनों हो सकता है।
तो ये ऑफेंस है उनके लिए जो ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं, गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करते हैं, उल्टी दिशा में गाड़ी के आते हैं, ओवरटेकिंग गलत तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ ऑफेंसेस। अब कुछ खास बातें आपको बता देता हूं। ये केवल आम जनता के लिए ही नहीं है नियम जो अब बन रहे हैं अमेंडमेंट। इसमें जो बंदे एनफोर्समेंट में लगेंगे, मतलब जैसे ट्रैफिक हवलदार या कोई भी ऑफिशियल, अगर वो इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी डबल हो जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर एक ट्रैफिक पर्सन या एनफोर्समेंट ऑफिशियल अगर हेलमेट लगा के नहीं चलता, तो वैसे देखिए 1,000 रुपये फाइन लगता था, ठीक है, अब जो लगेगा, और 3 महीने की जो सजा होती थी, अब क्या होगा, तो उसके ऊपर 2,000 रुपये फाइन लगेगा और 6 महीने की उसका सजा हो जाएगी। तो ये इन्फोर्समेंट ऑफिशियल के लिए, तो उनकी पेनल्टी डबल हो जाएगी। दूसरी बात, जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स हैं, अभी जैसे आपने हाल ही में सुना था वॉक्स वैगन की जो ऊपर एक बात आई थी, बवाल जो उसके लिए मचा था, ठीक है, तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स जो व्हीकल स्टैंडर्ड्स को दरकिनार करते हैं कि भाई हम कुछ भी ये बना देंगे तो लोग खरीद लेंगे, तो उनको खतरे की घंटी उनके ऊपर आ गई है। उनको 100 करोड़ रुपए तक का उनके ऊपर फाइन लगेगा या 1 साल की जेल भी लगेगी। तो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी खतरे की घंटी बन चुकी है। दूसरा, जो रोड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आप देखिए, अब रोड कॉन्ट्रैक्टर्स की भी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाएगी कि रोड कंस्ट्रक्शन में गलत मटेरियल का इस्तेमाल करना या रोड को ढंग से ना बनाना, कुछ भी बना देना, कैसे भी उसके ऊपर डामरीकरण कर देना, गड्ढे छोड़ देना, ऐसे कर देना, तो ये सब काम नहीं चलेगा। उनके ऊपर भी बहुत हेफ्टी फाइन्स लगने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अमेंडमेंट है, आपको कैसे लग रहे हैं? सरकार क्या ये सही कर रही है? अगर आपको इसमें कोई और चेंज लाना है तो आप कमेंट बॉक्स पे आकर कमेंट भी कर सकते हैं, क्या क्या और इसमें ऐड किया जाना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि गवर्नमेंट ने ये जो अमेंडमेंट्स अब कर रही है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट जो कर रही है पार्लियामेंट में, वो सही है, तो अपने आप यहाँ पे व्यूज भी रख सकते हैं, और सुझाव है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक बटन जो नीचे है उस पर जरूर क्लिक करें, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको ऐसे हो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। बने रहिए मेरे साथ, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।